दोस्तों आज के डेट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप इशू कराना चाहते हैं, रिन्यू कराना चाहते हैं, फिर रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो आपका जो पर्सनल डिटेल्स लिया जाएगा इंक्लूडिंग योर फोटो एंड सिग्नेचर, वो सीफेरर प्रोफाइल से लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना सीफेरर प्रोफाइल्स को हमेशा अपडेटेड रखो। बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे आते रहते हैं जहां पे पूछा जाता है कि सीफेरर प्रोफाइल के अंदर कोई एक चीज बताना है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं सोचा कि एक कंबाइंड वीडियो बना देता हूं, कंप्लीट गाइडेंस वीडियो बना देता हूं, जहां पे आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। एंड ये वीडियो जो खासकर नए लड़के हैं, जो नया सीफेरर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लिए पूरा जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो वेब ब्राउजर वो ओपन कर लेना है एंड लिखना है DGShipping। इसके बाद जो पहला लिंक खुलेगा वो DGShipping का वेबसाइट होगा, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। एंड जैसे खुलता है ई गवर्नेंस के अंडर, ई गवर्नेंस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी है वो देके आप लॉगिन हो जाइए। देन यहाँ पे अपडेट सीफेरर प्रोफाइल में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो पहला पेज होगा उसमें आपका पर्सनल डिटेल्स रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल एड्रेस एंड फिजिकल डिटेल्स, जो भी है आपको लिखाना पड़ेगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, टेलीफोन नंबर चेंज करना चाहते हो, ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ से करने का मौका मिलता है, आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। लेकिन जो कुछ चीज़ें होते हैं वो आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका इंडोस में है। एंड उसको अगर आपको चेंज कराना है तो उसका दूसरा वीडियो मेरा है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आप अपना पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में अगर आप क्लिक करते हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाना पड़ेगा। देन ये जो चैप्टर होता है ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का है, मतलब जो भी गवर्नमेंट बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में आपने पहले पढ़ाई किया है, अपना मेरिन ट्रेनिंग से पहले, वहाँ से आपको अपने एज स्टैंडर्ड किया है कि 10th स्टैंडर्ड किया है, 10+2 किया है, उसका जो डिक्लेरेशन यहाँ पे होगा। मेन सब्जेक्ट आपका क्या क्या रहा, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स जो है PCM में, या फिर रिजल्ट जो था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट एड्रेस, ये सब आपको डाल के यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड करते हो तो इसके नीचे उसका डिटेल्स आपका दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं प्रीसी ट्रेनिंग डिटेल्स। अभी प्रीसी ट्रेनिंग डिटेल्स में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो जितना भी आपका अप्रूव्ड कॉलेज है, DG अप्रूव्ड कॉलेज है, उसका सारे का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च, आपका नाम लिख के सर्च बटन में क्लिक कर सकते हो, तो आपका बगल में आपका वो आ जाएगा, आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा। इसके बाद अगर उसमें नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे आपको अलग से लिखना है कौन सा इंस्टीट्यूट आपने किया। लेकिन यहाँ पे वो बात है कि अगर वो लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है तो शायद ही आपका अप्रूव होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ DG अप्रूव जो कॉलेजेस हैं वही आप डाल सकते हो एंड उसी का अप्रूवल आपको मिल सकता है। इसके बाद कौन सा कोर्स आपने किया है, जैसे आपने यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जो भी कोर्स BSc नॉटिकल साइंस हो या फिर BE BTech मेरिन इंजीनियरिंग हो या प्रीसी ट्रेनिंग हो, जो भी आप किए हो उसका आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अटेंडेंट फॉर्म, मतलब ये आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा कि कौन सा डेट में आपने शुरू किया था एंड कब ख़त्म किया था, देन सर्टिफिकेट नंबर, ये सब फिलअप करके देन आपको यहाँ पे अपडेट कर देना। जैसे आप अपडेट करते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। देन आप यहाँ से नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो मॉड्यूलर कोर्सेज। मॉड्यूलर कोर्सेज में आप अगर यहाँ पे चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सारे, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, अपना PST हो गया, PSSR हो गया, ये सब कुछ जो SCCW कोर्सेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो वन बाय वन आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे आप एक करोगे दूसरा करने का मौका मिले, एक करो, जैसे फायर फाइटिंग कर लिया, फायर फाइटिंग चूज़ करके उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम सब कुछ डाल दिया, फिर ऐड जैसे करोगे यहाँ पे नीचे वो ऐड होते रहेगा। फिर दूसरा कोर्स करो, दूसरा भी ऐड करो, यहाँ पे ऐड होता। तो आप देख सकते हो नीचे जाके कि मेरा सारा कोर्सेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड अगर आगे भी मैं कोई रिन्यू कराता हूँ तो मुझे ऐसे ही मुझे यहाँ पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट करते हैं तो दूसरा पेज में खुलता है सी गोइंग डिटेल्स, मतलब आपका जो सेलिंग एक्सपीरियंस है, ये पेज में आप वो डिटेल्स डालोगे।
जैसे आपका सिप का नेम हो गया, देन फ्लैग ऑफ रजिस्ट्री फ्लैग जो होता है जहाँ पे अभी है उसका आप सिलेक्ट कर लो, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री कौन सा है आप सिलेक्ट कर लो, ऑफिशियल नंबर आईमो नंबर आपको लिखना पड़ेगा, सिप का टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे टाइप का सिप होते हैं, जो भी है आपका वो आप चूज़ कर लो, देन GRT रैंक आपका कौन सा रैंक पे आपने सेल किया, नेचर ऑफ वॉच कीपिंग मतलब आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कौन सा आपका नेचर ऑफ वॉच कीपिंग है, देन सर्विस फॉर्म एंड डेट जो आपका CDC में मेंशनड है, ज्वाइनिंग डेट एंड साइन ऑफ डेट आप डाल दो, जैसे आप डालोगे ये नीचे वाले हिस्से में आर्टिकल ऑफ मंथ्स एंड आर्टिकल डेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देन किलोवाट आपको डालना है, प्रोपल्शन टाइप जो है आपका मोटर वेसल है स्टीम शिप है वो आप डाल दो, देन प्रोपेलिंग डेज भी आपको डालना पड़ेगा, जैसे आप डालते हो तो नीचे जाके यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, तो जो डिटेल्स आपने अभी फिलअप किया वो नीचे जाके ऐड हो जाएगा, इसी तरीके से आपको जो जितने भी आपने सेलिंग एक्सपीरियंस किया सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर लेना है, आप देख सकते हैं नीचे मेरा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो भी अभी ये 1 जुलाई 2016 के बाद से ये रूल चालू हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अगर सेल करते हैं तो उसका RPSL अप्रूव जो कंपनी होता है जो मैनिंग करते हैं उनको, उनका भी काम होता है कि कैंडिडेट का मतलब जो सेलर है उनके ये डिटेल्स सिप का जो ज्वाइनिंग डिटेल्स मास्टर चेकर में अपलोड करें, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर आपने आपका कंपनी आपका वो नहीं किया है अपलोड नहीं किया है तो आपको खुद को अपलोड करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस जो है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक टू व्यू सैंपल में देख सकते हो डाउनलोड करके कि कैसे आपको करना है। फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं, नेक्स्ट में जाके आपको देख सकते हो आप यहाँ पे पोस्ट सी ट्रेनिंग डिटेल्स मतलब यहाँ पे ग्रेड आप देख लीजिए, आपको देख के पता चल जाए कौन सा पोस्ट सी होता है। इसके बाद यहाँ पे फेज़ हो जाएगा, जैसे आप यहाँ कोर्स सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, अभी नहीं मिल रहा है। देन कोर्स नेम जो भी है यहाँ पे क्लिक करके सिमिलर जैसा मैं अभी तक किया वैसे आप अगर सिलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्ट करके ऐड करोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको देखोगे ऑनबोर्ड ट्रेनिंग डिटेल्स, ये SSTP जनरली हम लोग रेटिंग्स कोई अगर एग्ज़ाम देना चाहता है तो अभी SSTP आ गया है, इसको ये ऑनबोर्ड ट्रेनिंग की तरह होता है, यहाँ पे हम लोग को फिलअप करना, इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे रेटिंग ऑफिसर बन सकता है या फिर क्या क्या असेसमेंट उनको क्लियर करना पड़ता है। तो ये चैप्टर उनके लिए है जो एग्ज़ाम देना चाहता है रेटिंग बैकग्राउंड से ऑफिसर बनना चाहता है, तो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आप ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके आपको नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं रेटिंग सर्टिफिकेट मतलब आपने जो सर्टिफिकेट आपने किया है बेस्ट से मिला था, मतलब अपना जो GP रेटिंग करने के बाद 6 महीने के बाद जो आपका पास सर्टिफिकेट मिला था उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वो सर्टिफिकेट को देख के आपको यहाँ पे लिख लेना है, डेट ऑफ इशू लिखना है, कहाँ से इशू किया था वो लिख के ऐड कर लेना सिमिलर तरीके से। अभी यहाँ पे जाके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो दूसरा आता है, नेक्स्ट पेज में आते हैं सर्टिफिकेट एंडोर्समेंट मतलब ये जो DC एंडोर्समेंट होता है यहाँ पे आप कर सकते हो, लेवल आपका कौन सा है, सपोर्ट ऑपरेशन है ये कर सकते हो, कौन सा टैंकर टाइप है, ऑयल टैंकर केमिकल टैंकर गैस टैंकर ये सब आप कर सकते हो, यहाँ पे सिमिलर तरीके से करके ऐड कर लेना पड़ेगा, फिर जाके नीचे आपका ऐड होते रहेगा। देन अगर आप नेक्स्ट करते हो तो सर्टिफिकेट के अंडर आया था सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अगर आपके पास COC है तो COC का डिटेल सिमिलर तरीके से जैसे मैंने अभी तक दिखाया वैसे ही आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, देन ऐड करके नीचे आ जाएगा, देन नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट करते हो ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स, ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देख सकते हो CDC इंडोस अभी EXTN 45 नंबर, देन सीमैन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सब मतलब SID जो अभी नया आया है, तो ये सब को अगर आप वन बाय वन करते हो ऐड करते रहते हो तो जाके आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो ये है कि रिक्वेस्ट टू ऐड मोर एंड अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल्स, मतलब अगर आपके पास दूसरा कोई पासपोर्ट है अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ताकि आप एडिशनल पासपोर्ट को ऐड कर सको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो दो पासपोर्ट ऐड करके रखा है, मतलब एक मेरा वो हो गया था एक्सपायर हो गया था, देन सेकेंड टाइम मैंने दोबारा पासपोर्ट को अपलोड किया, मैंने पुराना वाला डिलीट नहीं किया। इसके बाद आप नेक्स्ट में जाओ,
यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जाते हो नीचे जाके अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों को सारा जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर लेना है। जैसे आपका फोटोग्राफ आप यहाँ से कर सकते हो, आपका जो सिग्नेचर आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड डॉक्यूमेंट टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी आप करो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ब्राउज करो। ब्राउज करने के बाद आपका कंप्यूटर स्क्रीन भी खुल जाएगा जो आपका एक्सप्लोरर है, एंड वहाँ से आप फाइल को चूज करके फिर अपलोड कर सकते हो। अपलोड यहाँ पे हो जाएगा, देन यहाँ पे अपलोड डेट भी यहाँ पे दिखाएगा आपको, एंड आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक टू री अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका सारा कुछ हो गया। अभी आता है क्लिक टू व्यू एंड प्रिंट योर प्रोफाइल। अगर आपने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया प्रोफाइल को, अभी जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक टू व्यू करते हो तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो एक पीडीएफ फॉर्मेट है, एंड आपका टोटल्स जो भी आपने अभी तक अपडेट किया है उसका टोटल एक सिंगल पीडीएफ में आ जाता है। आप चाहो तो इसको प्रिंट भी ले सकते हो। देन ये है मास्टर चेकर। मास्टर चेकर में हम लोग क्लिक करते हैं एंड दिखाते हैं कि मास्टर चेकर क्या है एंड क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो जैसे आप मास्टर चेकर में क्लिक करते हो, यहाँ पे भी आपका सारा डिटेल्स रहता है। जैसे यहाँ पे CDCN, COCS, कुक का डिटेल्स है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो नीचे आपको मिलेगा। ऊपर का पोर्ट्स में आप देख सकते हो कि नाम, अपना जो गिवन नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, इधर फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, एंड नीचे इसका नीचे का पार्ट आपका जितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, मतलब डॉक्यूमेंट्स का। तो ये हो गया, पहले अगर क्लिक करते तो CDC मिलता है, COC या कुक, मैं तो कुक नहीं हूँ तो मेरे पास नहीं है। उसके बाद COC एंड COE अगर आपके पास कुछ रहता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। GMDSS अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। रेटिंग, वॉच कीपिंग एंड जो अपना वो होता है अपना COP होता है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। DC एंडोर्समेंट, COP डिटेल्स जो भी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन सी सर्विस में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे कंपनी जो हैं वो अपडेट यहाँ पे कर लिए हैं। जो भी मैंने अपना सेलिंग एक्सपीरियंस पूरा किया है वो मेरे कंपनी के तरफ से अपलोड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मास्टर चेकर में आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा या तो वो सीफेरर प्रोफाइल से आपका लिया जाएगा, जो आपका सिग्नेचर है, आपका फ़ोटो है, ये सब, एंड जो पर्सनल डिटेल्स है वो इंडोस से आपका कलेक्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो आपका जैसे सेलिंग सर्विसेज हो गया, सी सर्विसेज हो गया, तो सेलिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे दिखा गया। कंपनी का अपने मतलब उन्होंने अप्लाई किया है, क्या रैंक पे अप्लाई किया है, कौन सा डेट में, तो आप बोल सकते हो ये कन्फर्मेशन की तरह है। देन ट्रेनिंग डिटेल्स अगर आप क्लिक करते हो तो जो भी अब तक आपने कोर्स किया है कोई भी कॉलेज से, वो सारे का डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी ये नया रूल है कि अगर आप कोई कोर्स करते हो तो कॉलेज को भी आपको मास्टर चेकर में आपका डालना पड़ता है ताकि ये डेटा सेफ रहे। तो आशा रखते हैं वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर मुझे प्रमोशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शेयर अगर आप करते हैं तो क्या पता किसी का भला हो जाए। तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे जो अपडेटेड वीडियोस हमेशा मैं डालते रहता हूँ इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।